आज हम बनाएंगे बंगाली रेसिपी दोई पोटोल यानी दही परवल। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे परवल। परवल को मैंने बोथ साइड से कट करके उसमें हल्दी और नमक डाल के मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए रख लिया था। परवल को बहुत अच्छे से हम बोथ साइड से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा जो परवल है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। फिर परवल को एक प्लेट में हम शिफ्ट कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में डालेंगे तेज पत्ता, जीरा, बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर कढ़ाई में डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक। टमाटर थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक की पेस्ट, जीरा की पेस्ट और बहुत अच्छे से हम टमाटर के साथ मिला लेंगे। अदरक और जीरा फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इसको बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे खसखस पेस्ट। खसखस को भी बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरा मिर्च। हम मसाला को तब तक भुनेंगे जब तक इसमें से तेल छूटने ना लगे। देखिए तेल छूटने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे खट्टा दही। दही को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। दही को तब तक पकाएंगे जब तक तेल छूट ना जाए। देखिए मसाला से तेल भी छूट गया है। फिर हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ परवल। परवल को मसाला के साथ बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। कढ़ाई का ढक्कन भी लगा देंगे। कढ़ाई का ढक्कन लगा के हम इसको कुक करेंगे क्योंकि इसमें दही भी डाला है और परवल अच्छी तरीके से पका भी नहीं। तो क्या होता है, दही डालने के बाद परवल डालने से क्या होता है, ये अच्छी तरीके से पकता नहीं है। तो इसीलिए हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको ढक्कन लगा के हम कुक करेंगे। ढक्कन खोल के बीच बीच में चलाना पड़ेगा, नहीं तो मसाला नीचे से जल सकता है। फिर कढ़ाई में हम डालेंगे पानी। पानी को बहुत अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। अगर कोई चाहते हैं खाने में थोड़ा सा मिठास तो वो चीनी भी डाल सकता है। फिर हम इसका ढक्कन लगा देंगे। देखिए हमारा जो दोई पोटोल यानी दही परवल जो है ये बनके तैयार है। इसको आप पराठा, रोटी, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है और चटपटा भी है।